नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम यूपीएससी मेंस सॉल्यूशंस 2019 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पेपर जनरल स्टडीज 3 के क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज करेंगे। और दोस्तों, हमारा जो ये क्वेश्चन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टूडे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हाउ वॉज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर एम विश्वेश्वराय एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन द फील्ड्स ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर साइंस रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों, आपको इन दोनों के बारे में ज़रूर पता होगा और यहाँ पर इनके कंट्रीब्यूशन को पूछ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को देख के आप थोड़ा सीरियस हो गए होंगे कि क्या इस तरीके से हमें जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है उन सब के कामों को स्टडी करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस से रिलेटेड कैसे है। दोस्तों, जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो उनमें साइंस एंड टेक का जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो लिखा हुआ है, और वो है दोस्तों अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। यहाँ पर दोस्तों इस वाले टॉपिक में जो अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसी टॉपिक से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में ठीक से डिटेल से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ना आप कर पाएंगे, ना मैं कर पाऊंगा, ना जिसने आईएएस क्लियर किया है वो कर पाएगा। इसको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट हुए हैं और उन सब की बायोग्राफी को याद रख पाना इम्पॉसिबल है आपके लिए, मेरे लिए भी, और कितना ही बड़ा वो सूरमा क्यों ना हो उसके लिए भी। दोस्तों, यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर आप दोस्तों ये देख लेंगे कि यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कैसे करता है तो आपका सारा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एम विश्वेश्वराय जी पर क्वेश्चन आने का मेन कारण ये था कि ठीक 15 सितंबर 2019 को सारे इंडिया में एक तरीके से इंजीनियर्स डे मनाया गया था, और ये दोस्तों इन्हीं की उपलब्धि में मनाया गया था। और इसको आप देख सकते हैं कि पेपर से ठीक 10 या 15 दिन पहले अगर कोई ऐसा डे है तो ये लगातार उसमें न्यूज़ में रह जाता है। और उसके बाद से दोस्तों यूपीएससी ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे डेली, तो आप जब देखेंगे कि इस तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया है यूपीएससी ने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी इन पर्सनैलिटी से लेकर। एक तो इनको गूगल में डूडल बना दिया गया था 15 सितंबर के दिन, और ये भी न्यूज़ में थी, और इसके बाद से इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में कुछ इस तरीके के लेख भी छपे थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सर एम विश्वेश्वराय जी हैं उनको डैम्स का बिल्डर माना जाता है, ब्रिजिस का बिल्डर माना जाता है, और मॉडर्न इंडिया के फाउंडेशन में इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। तो इन्हीं को श्रद्धांजलि देते समय हम जो 15 सितंबर का उनके बर्थडे का दिन है उसको हमने इंजीनियर्स डे डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, आप द हिंदू में भी एक इम्पॉर्टेंट लेख देख सकते हैं जो 21 सितंबर 2019 का है, रीवायरिंग द विज़न। और यहाँ पर भी दोस्तों ये वाला जो एक तरीके से लेख है पूरी तरीके से उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो ये आप देख सकते हैं, इस वजह से उनके सारे कंट्रीब्यूशन उस समय न्यूज़ में थे, इसी वजह से यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया। और अब आप ध्यान रखिएगा कि एट रैंडमली किसी की भी बायोग्राफी उठाकर यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर वैसा पूछता है तो आप भी नहीं कर पाएंगे और जो नंबर वन रैंक लाने वाला होगा वो भी नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब दोस्तों बात की जाए एम एस स्वामीनाथन जी की, तो दोस्तों देखिए, ये जो है अपना इंटरव्यू देते हैं न्यूज़पेपर में, वो छपते हैं, और दोस्तों इसके अलावा जब लोन वेवर की बात चल रही थी तभी ये सामने आए थे और उन्होंने उसका एक तरीके से विरोध किया था। इसके अलावा दोस्तों द हिंदू में इनके कई सारे आर्टिकल्स छपते रहते हैं, और इनका आप देखेंगे कि कहीं पर भी अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक की बात हो रही है तो वहाँ पर वो रहते हैं, वो बताते हैं कि एग्रीकल्चर में फार्मर्स की इनकम को एक तरीके से बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। जब कोई बजट गवर्नमेंट पेश करती है तो वो अपना ओपिनियन लिखते हैं एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में, गवर्नमेंट ने कैसा बजट बनाया है, सब चीज़ों पर इनकी नज़र रहती है। और आप देख सकते हैं द हिंदू में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी छपे हैं इनके द्वारा।
तो दोस्तों आई होप कि अब आपने सीख लिया होगा कि यूपीएससी कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछती है, और वो एट रेंडमली तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछती। अब दोस्तों हम अपना आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है एम विश्वेश्वराय जी का, सारा कुछ न्यूज़पेपर में था, हमने न्यूज़पेपर से बस उठा लिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वो जो एक थे वो एक चीफ इंजीनियर थे, और उन्होंने कृष्णा राजा सागर डैम जो है मसूरू में, उसको उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया था, उन्हीं पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद से दोस्तों जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, जो सी इरोजन से एक तरीके से डैमेज हो रहा था, उसको प्रोटेक्ट करने का इंतजाम भी उन्होंने ही किया, उसको एक सिस्टम बनाया जिससे उसकी प्रोटेक्शन हो सके। उसके अलावा दोस्तों जो विश्वेश्वराय जी हैं उनको सेलिब्रिटी स्टेटस मिला था, और उन्होंने फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम भी बनाया है जो हैदराबाद सिटी के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों बाढ़ को रोकने के लिए वाटर फ्लड गेट्स भी उन्होंने बनाया है, और उसकी टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने खुद से डिज़ाइन करके उसको पेटेंट करवाया था, और बाद में उसके बाद से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ्लड गेट भी उन्होंने बनवाया। तो ये इस तरीके के कंट्रीब्यूशन है, और इसीलिए दोस्तों उनको जो है ब्रिज डेवलप करने का, बांध बनाने का यानी डैम कंस्ट्रक्ट करने का जो है उनका उसका फादर माना जाता है। और इसी वजह से दोस्तों जो नए भारत की फाउंडेशन स्टोन है उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको रखा, जिस कारण आज भारत जो है काफ़ी हद तक प्रगति कर रहा है। आज जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही है, उन सबको चलाने के लिए उन्होंने जो मूलभूत कार्य करने थे वो किए। अब दोस्तों बात की जाए एमएस स्वामीनाथन जी के कंट्रीब्यूशन की, तो दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन में उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है। वो एक तरीके के साइंटिस्ट थे जो जीन्स की स्टडी करते थे, प्लांट्स में जो जीन्स होते हैं या दूसरे इंपॉर्टेंट हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्लांट्स की, उनको स्टडी करके उन्होंने एक हाई ईड वेराइटी के जो सीड्स होते हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों जब वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल थे, तो उस समय उन्होंने दोस्तों नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट डेवलप किया। उसके अलावा फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया भी एक तरीके से उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही है अब अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में। और साथ ही साथ दोस्तों डायरेक्टर जनरल जो हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उन्होंने ये रहते हुए इंटरनेशनल राइस जर्मोप्लाज्म सेंटर की भी स्थापना की। तो ये सब उनके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। तो दोस्तों हमने अपने इस क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज कर लिया है, क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन क्यों आया ये भी जान लिया है, सब कुछ जान लिया है। आई होप अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो फीडबैक में कमेंट सेक्शन में बताइए, हमसे सवाल पूछिए। वी आर हेयर टू सॉल्व योर ग्रीवेंसेज। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।